अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ क्लास के उर्दू के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा मौजू है कहानी, यानी आज हम एक कहानी पढ़ेंगे और फिर आप उसे अपने अल्फाज में लिखेंगे। ये कहानी है तस्वीर के ज़रिए, यानी आपके पास तस्वीर मौजूद हैं और आपने उन तस्वीर को देखते हुए एक कहानी बनानी है। लेकिन कहानी लिखने से पहले आपको इसका तरीक़ाकार मालूम होना चाहिए। कहानी जब भी लिखी जाती है तो वो तीन हिस्सों में लिखी जाती है। सबसे पहले इब्तदाइया, यानी जिसमें आप बताते हैं कि कहानी में कौन कौन से किरदार शामिल हैं और वो क्या कर रहे हैं, यानी उसके अंदर मंजर भी आ जाता है और किरदार भी आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास दूसरा हिस्सा होता है दरमियाना, यानी जिसमें आप मुकम्मल कहानी को लिखना शुरू करते हैं, वाक्यात बताते हैं और बताते हैं कि उस कहानी में क्या क्या हुआ। अंजाम में आप बताते हैं कि आखिरकार इस कहानी का अंजाम क्या हुआ, और उसके बाद अगर आपसे नतीजा पूछा जाए तो आप पूरी कहानी को अपने जहन में बिठाकर ये बताते हैं कि ये कहानी हमें क्या सबक देती है। आपके पास जो कहानी है उसमें पहली तस्वीर आपके पास मौजूद है एक बतख की, दूसरी तस्वीर आपके पास मौजूद है उसके बच्चों की, और तीसरी तस्वीर आपके पास मौजूद है जिसमें चील भी आपको नज़र आ रही है। तो सबसे पहले आप लोगों ने बतख को देखना है और उसके बाद दूसरी जो तस्वीर है आपके पास बतख के बच्चों की, उसको देखना है। और आपने इब्तदाइया में इस तरह से लिखना है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बतख थी और उसके तीन चार बच्चे थे, जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं आपने उसमें बता देने हैं। तीन चार बच्चे थे और वो एक तालाब भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो तालाब में तैर रहे थे, मज़े कर रहे थे। इब्तदाइया में आप बताएंगे कि जब आपने एक बतख को देखा, उसके बच्चे को देखा और तालाब का मंजर देखा, उसके बाद आपके पास जो दूसरा हिस्सा दरमियाना, उसमें आपने ये बताना है कि वो जब तालाब में मज़े से तैर रहे थे, नहा रहे थे, तो आसमान पर एक चील नज़र आई जो बतख के बच्चों को देखकर तेज़ी के साथ उड़ती हुई तालाब तक पहुँचने की कोशिश करने लगी। और जब बतख ने देखा कि वो चील जो है उसके बच्चों को मारने के लिए आगे बढ़ रही है, तो बतख ने क्या किया कि फौरन से वो बच्चे जो तालाब से बाहर थे, जो कुछ अंदर मौजूद थे और कुछ जो बाहर थे, उनको फौरन से वो तालाब के अंदर धकेलने लगी और ख़ुद बाहर खड़ी हो गई। बाहर खड़ी हुई, क्यों खड़ी हुई? ताकि वो अपने बच्चों का दिफा कर सके, अपने बच्चों को बचा सके। उसके बाद उसने जब चील को मज़ीद करीब आते हुए देखा तो तालाब से बाहर निकल कर उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन जैसे ही चील ने देखा कि माँ सामना करने के लिए खड़ी हो चुकी है और अब मैं किसी भी तरीके से बतख के बच्चों को पकड़ नहीं सकता, उनको खा नहीं सकता, तो वो वापस चली गई। इसका अंजाम क्या होगा कि माँ सबसे बड़ी दौलत है, या माँ के कदमों तले जन्नत है। यानी पूरी कहानी आपको ये बता रही है कि माँ किस तरह से अपने बच्चों की हिफाजत करती है। किसी भी मुश्किल हालात में अगर कोई उसके बच्चों पर हमला करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले अपने आप को खुद पेश करती है। तो आपने इस कहानी को बहुत खूबसूरत अंदाज में, अच्छी लिखाई में, अपने आपके पास जो वर्कशीट है आपने इस पर मुकम्मल करके लिखनी है।